वेलकम टू डैश। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 का ब्लूप्रिंट, यानी कि क्लास 10th का हिंदी का ब्लूप्रिंट, जो कि आपके टर्म एंड वन के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए दिया गया है। 2024-25 में बेटे पैटर्न चेंज हुआ है। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो आपको इस ब्लूप्रिंट से आइडिया हो जाएगा बेटे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। आपको पहले मैं पेपर का पैटर्न बताऊंगी, उसके बाद आपको मैं आपका सिलेबस शेयर करूंगी। तो पूरे के पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। आपका पेपर जो होगा वो टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। हिंदी का पेपर है आपका टोटल 150 मिनट का। आप लोग देख पा रहे हैं टाइम आपको दिया गया है 150 मिनट, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का टाइम होगा जिसमें आपको आपका पेपर कंप्लीट करना होगा। टर्म एंड वन का पेपर है आपका। 2024-25 में पैटर्न चेंज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ ये ब्लूप्रिंट शेयर कर रही हूँ। तो पहला जो आपका सेक्शन रहेगा उसमें आपका अनसीन टेक्स्ट पर बेस्ड रहेगा, जो कि पहले भी आपने दिया होगा बेटे। तो उसमें क्या होता है कि आपके दो टेक्स्ट दिए जाते हैं, एक प्रोज होता है और एक पोम होती है, यानी कि आपको एक गद्यखंड दिया जाएगा और साथ में एक काव्यखंड दिया जाएगा। दोनों को आपको करना होगा। इसमें दोनों में से टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिनमें सभी के आंसर्स आपको लिखने होंगे। एक आपका गद्यखंड होगा, एक पद्यखंड होगा और दोनों में से आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चंस में से हर एक में 3 एमसीक्यू होंगे और 2 सीआरटी होंगे, यानी कि क्रिएटिव रिस्पांस टास्क होंगे आपके। तो और साथ में 3 एमसीक्यू प्लस 2 सीआरटी पर टेक्स्ट आपके पास रहेंगे। इसमें आपको बता दिया गया है ये आपके दो जो रहेंगे उनमें से मीडियम और डिफिकल्ट रहेंगे। ये आपको पहले से बता दिया गया है कि आपका जो प्रोज और पोम जो रहेंगे वो आसान नहीं होंगे, वो आपको लैंग्वेज थोड़ी सी मीडियम और डिफिकल्ट होगी और दोनों के दोनों जो टेक्स्ट होंगे आपके वो 100 से लेकर के 200 वर्ड्स के अराउंड जो है लंबे रहेंगे। वो छोटे, इतने छोटे आपके प्रोज और पोम को जो है नहीं रहेंगे, आपको थोड़े लंबे दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 एमसीक्यू, 2 के आंसर आपको लिखने होंगे। क्राइटेरियन रहेगा आपका रीडिंग का। इसमें यहाँ आपका 10 क्वेश्चन करने के बाद आपका सेक्शन 1 कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना होगा सेक्शन 2। इसमें आपके 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो कि आपके टेक्स्ट बुक से जो आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं, टेक्स्ट बुक से जो लेसन कराए गए हैं आपको, जैसे आपका था एक वृक्ष की हत्या और साथ में आपका बाल गोविंद भगत जो पाठ पढ़ाए गए हैं सारे के सारे, उनमें से आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें आपको आंसर लिखने होंगे 40 से 50 शब्दों के अंदर बेटा, यानी कि कम से कम 3 से 4 सेंटेंस, यहाँ तक कि 5 सेंटेंस तक भी आप उसको बढ़ा सकते हैं। इतना लंबा आंसर आपको हर क्वेश्चन का लिखना होगा। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन्हीं के आंसर्स आपको लिखने होंगे, आपको उनमें कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उनके साथ ही आपके पास एक क्वेश्चन और होगा जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप होगा, जिसका आंसर आप जो आप पहले वाले दे रहे थे उनसे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि 100 से 120 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर करना होगा। क्राइटेरियन यहाँ पर भी आपका रीडिंग ही रहेगा, यानी कि आपको जो आपने रीडिंग की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर्स देने होंगे। तो सेक्शन 2 में आपके पास टोटल क्वेश्चन बने 6, जिनमें से 5 आपके रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जिनमें आप 4 से 5 सेंटेंस में आंसर देंगे और एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा जिसका कि आंसर आप 100 से 120 वर्ड्स के अंदर देंगे, यानी कि पहले वाले जो क्वेश्चन है उनसे ऑलमोस्ट डबल या उससे भी ज़्यादा आपका आंसर होना चाहिए। अगला सेक्शन आपका रहेगा सेक्शन सी या सेक्शन 3 जिसको कहा गया आपके पेपर में। ये आपका ग्रामर का पोर्शन रहेगा। तो ग्रामर के पोर्शन में आपको टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10। इन 10 क्वेश्चन में से 5 आपके एमसीक्यू होंगे और 5 आपके क्रिएटिव रिस्पांस टास्क होंगे, यानी कि 5 तो आपके एमसीक्यू होंगे जिनमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको ऑप्शन चुन करके सही आंसर लिखना होगा और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आपको आंसर लिखने होंगे। और ये टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, इनमें भी आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी, ये सारे के सारे आपको करने होंगे। इनमें ऐसा नहीं होगा कि आपको 11 क्वेश्चन दे दिए, 12 क्वेश्चन दे दिए, 10 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो 10 के 10 आपको करने होंगे। ये भी आपका क्राइटेरियन रहेगा राइटिंग का। इसके बाद सेक्शन डी आपका रहेगा इंडिपेंडेंट राइटिंग टास्क का। इसमें आपको एक शॉर्ट रिस्पॉन्स दिया जाएगा, 80 से 100 शब्दों में आपको विज्ञापन लिखना होगा या फिर रेखा चित्र लिखना होगा।
ठीक है, 100 से एक। अच्छा, आपका पहला तो रहेगा आपका विज्ञापन या रेखा चित्र, आपको लिखना होगा। रेखा चित्र आपको बताया गया होगा क्लास में, विज्ञापन भी बताया गया होगा। उसके बाद दूसरा आपका रहेगा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, जो कि 100 से 150 वर्ष में आपको लिखना होगा। यात्रा वृतांत या समीक्षा आपको आएगी यहाँ पर, या संवाद, इनमें से कोई दो विकल्प में रहेंगे। मतलब यात्रा वृतांत, समीक्षा और संवाद, इन तीन में से कोई दो ऑप्शन आपको पेपर में दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि आपको यात्रा वृतांत, समीक्षा और संवाद में से कम दो चीजें कोई ऐसी होंगी जो बहुत अच्छी तरह से तैयार करके एग्जाम के लिए जानी पड़ेंगी। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप एक यात्रा वृतांत और एक समीक्षा बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं, क्योंकि समीक्षा में आपकी केवल दो बैलों की कथा की समीक्षा है, और साथ में आपका तमस की समीक्षा है फिल्म की आपकी, और साथ में जय भीम की समीक्षा है। तो ये तीन समीक्षाएं आपको करनी है, आपको करके चाहिए अच्छी तरह से, और साथ में यात्रा वृतांत आप दो तीन बार लिख करके बेटे देख लीजिए, ताकि पेपर में आपको सोचने में जो टाइम लगता है वो टाइम आपका बच जाए। और साथ में संवाद लेखन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी वहां पर ऑप्शन दे सकते हैं, किन्हीं का भी संवाद दे सकते हैं, तो उसमें आपको सोचने में टाइम लग सकता है। इसलिए मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप विज्ञापन और जो आपकी जो समीक्षा है इनको आप अच्छी तरह तैयार करके जाएं। ये आपका रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न इसमें रहेगा, सेक्शन 4 में एक एक्सटेंडेड एक्सपीरियंस रिस्पॉन्स टास्क रहेगा आपका, निबंध लेखन। तो एक निबंध आपको आएगा, तो इंटरनल चॉइस इनमें से सभी में रहेगी। आप देख पा रहे हैं आपकी जो है समीक्षा में भी आपकी चॉइस है, आपका पहला था विज्ञापन या रेखा चित्र, उसमें चॉइस है आपकी। उसके बाद आपका यात्रा वृतांत, समीक्षा और संवाद में से कोई दो चीजें रहेंगी, जिनमें से आपको कोई एक करना होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका निबंध का रहेगा, तो निबंध में आपको कम से कम दो या तीन चीजें दी जाएंगी, जिनमें से आपको कोई एक करना होगा। यहाँ भी क्राइटेरियन आपका राइटिंग का रहेगा। इसके अलावा आपको एक बात और बताई गई है कि इंटरनल चॉइस टू बी प्रोवाइडेड फॉर द टास्क, में आपको इंटरनल चॉइस रहेगी, लेकिन टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 33 में से 14 आपके एमसीक्यू रहेंगे, 19 आपके सीआरटी रहेंगे। किस तरीके से रहेंगे आपने देख लिया है बेटे, टोटल 33 में से 14 आपके एमसीक्यू रहेंगे, 19 आपके सीआरटी रहेंगे। पेपर आपका इसी की तरह से आएगा, पेपर का टाइम आपका रहेगा टोटल 2.5 घंटा। चलिए हम लोग अब एक बार जल्दी से सिलेबस भी टैली कर लेते हैं। सिलेबस आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, क्लास 10th के लिए आपका टर्म 1 का जो सिलेबस रहेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। टर्म 1 जो रहेगा, यूनिट प्लान 1 में आपके पार्ट थे 2, एक वृक्ष की हत्या जो कि एक कविता थी कवि कुंवर नारायण सिंह जी की, और दूसरा आपका पार्ट था भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध था जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इसके अलावा व्याकरण, भाषा व्यवहार, रचनात्मक लेखन में आपको दिया गया था प्रत्यय और उत्सर्ग, तत्सम तद्भव, मुहावरे, विज्ञापन लेखन और संवाद लेखन। इसके बाद आपका शुरू होता है यूनिट प्लान 2, इसमें आपको साना साना हाथ जोड़े आपका यात्रा वृतांत था, जिसकी लेखिका थी मधु कांकरिया। इसके अलावा कविता थी सफेद रात, जिसे लिखा था आलोक धनवा जी ने। इसके अलावा व्याकरण, भाषा व्यवहार और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आपको समीक्षा लेखन दिया गया था, इसमें आपकी कहानी दो बैलों की कथा की समीक्षा रहेगी, साथ में तमस मूवी है उसकी समीक्षा रहेगी, और साथ में जय भीम मूवी है उसकी समीक्षा रहेगी। इसके अलावा आपका निबंध लेखन है, और साथ में यात्रा वृतांत लेखन आपका ब्लॉग लेखन है। यहाँ आपका यूनिट प्लान 2 खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका है यूनिट प्लान 3, जिसमें आपके दो पार्ट हैं। पहली आपकी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अट नहीं रही है, और दूसरा आपका रेखा चित्र है राम रक्ष बेनीपुरी जी का लिखा हुआ, जिसका नाम था बाल गोविंद भगत। साथ ही आपके यूनिट प्लान 3 में आपका व्याकरण, भाषा व्यवहार और रचनात्मक लेखन में जो चीजें दी गई हैं उनमें आपका वाच्य है, वाच्य की परिभाषा और भेद दिए गए हैं इसमें आपको। वाक्य नहीं है बेटा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वाक्य में और वाच्य में। तो वाक्य तो होता है सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और वाच्य होता है जिसे आप इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के फॉर्म में पढ़ते हैं, वो वाच्य होता है बेटा। इसके अलावा आपका रस आपके सिलेबस में है, रस में आपको रस की परिभाषा आएगी, उसके 9 मुख्य भेद आएंगे, यानी कि आपसे रस की परिभाषा पूछी जा सकती है, रस के भेद पूछे जा सकते हैं, रस के आपसे साथ में स्थायी भाव वगैरह भी पूछे जा सकते हैं बेटा। इसके अलावा रस कौन कौन से रहेंगे आपके, श्रृंगार रस रहेगा, हास्य रस रहेगा, करुण रस रहेगा, रौद्र रस रहेगा, वीर रस रहेगा, भयानक रस रहेगा, विभत्स रस रहेगा, अद्भुत रस रहेगा और शांत रस रहेगा।
ये सारे के सारे रस आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा रेखा चित्र लेखन भी आपके सिलेबस में है। जैसे आपने रेखा चित्र पढ़ा बाल गोविंद भगत का, ऐसे ही रेखा चित्र लेखन भी आपके सिलेबस में आ सकता है बेटा। तो ये था आपका टोटल सिलेबस टर्म एंड वन का। फर्स्ट टर्म का सिलेबस आपका ये पूरा का पूरा हिंदी का है, 10th क्लास का। किसी को कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से शुरू कर लीजिए बेटा। ये सारे के सारे वीडियोस चैनल पर सभी के सभी अवेलेबल हैं एक प्लेलिस्ट के अंतर्गत। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। वहां से आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं सारे के सारे कंटेंट की। तो अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से बेटा। आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।